नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कांग्रेस में जहां घमासान शांत नहीं हुआ, वहीं कांग्रेस में एक और कलह शुरू हो सकती है। इसकी वजह राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं को बीजेपी से डरने वाला और आरएसएस समर्थक करार दे दिया। सवाल ये है कि राहुल के निशाने पर आखिर कांग्रेस के कौन से नेता हैं? कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बहुत लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं, वे कांग्रेस के बाहर हैं, वे सब हमारे हैं और उनको अंदर लाना चाहिए। जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अगर आरएसएस के हो तो जाओ, भागो, मजे लो, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी विचारधारा है। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा है कि जिन्हें डर लग रहा है वे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने तीखा हमला किस पर किया? क्या वे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने वाले G23 के नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने को कह रहे हैं, या फिर उनके निशाने पर राहुल गांधी के वे करीबी दोस्त हैं जो कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सिपाही हो गए हैं? इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं करते? बिहार के देवरुवा में अब तक 16 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव वालों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि मारे गए कुछ लोगों में शराब पीने की पुष्टि हुई है, हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। घटना बेतिया के लौरिया प्रखंड के देवरा गांव और उसके पास की बघी गांव की है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं, हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को बेतिया के प्रभारी एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया था कि शराब बेचने वाले मुमताज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छापेमारी चल रही है और छापेमारी में भी कई चीजें निकलकर सामने आई है। उधर मीडिया से बातचीत में गांव वालों ने कहा कि गांव के सब लोग जानते हैं कि गांव में शराब बेची जाती है, पर कोई पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो इस गांव का भविष्य अंधकार में है। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि हम भी चंपारण के गांव में पिछले 2 से 3 दिन में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी मिली, हालांकि उनके परिवार और गांव वालों ने शराब पीने की बात को नहीं माना। FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर बेतिया में लोगों की संदिग्ध मौत पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है, और जैसा कि हमेशा होता है, जैसा ही कोई भी राज्य में बवाल होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने इस खबर को ट्वीट कर कहा, बिहार में सुशासनी शराबबंदी से हर साल हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है, बिहार का ये पूरा मामला है। बीते दिनों बेतिया में संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोगों की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि शराब पीने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी अब तक पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन राजनीति जरूर गर्मा गई। आपको बता दें कि बिहार में पूरी तरह से शराब पर बंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मामले सामने आते हैं जहां पर शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। 560 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले शुक्रवार को 38,000 से ज्यादा और गुरुवार को 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना एक्टिव केस भी 4,00,000 से ज्यादा हैं। देश में 4,24,000 लोग अब भी कोरोना से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब तक कुल 4,13,091 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,02,27,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,10,64,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 जुलाई तक देश भर में 39,46,00,000
95,000 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 42,12,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,20,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.98 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। तो इन दिनों अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नए आंकड़े एक दिन ज्यादा आ रहे हैं, अगले दिन कम आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से शून्य आंकड़ा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि लोग जागरूक रहें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, लापरवाही ना बरतें। हर राज्य में ढील दी जा रही है, तो उन ढील का फायदा नहीं उठाया जाए, उन ढील पर काम किया जाए, ताकि जो तीसरी वेव आने के लिए तैयार है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। तो भारत में कोरोना संक्रमण लगभग कंट्रोल माना जा रहा है, लेकिन अगर लापरवाही यूं ही बढ़ती रहे तो आगे समस्या बन सकती है। कोरोना के बीकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है, बल्कि जघन्य अपराध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील नहीं पेश कर सकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा है कि बीकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देना जैसा कदम होगा। बता दें कि चार्जशीट में आरोप है कि खुशी ने भी बीकरू कांड को अंजाम देने की साजिश में सक्रिय होकर अहम भूमिका निभाई है। खुशी ने खुद के बेगुनाह होने और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। खुशी दुबे बीकरू कांड को लेकर हुए एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। बीकरू कांड के हफ्ते भर में पहले ही दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें कि खुशी दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वो घटना है जिसने 2020 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आपको बता दें कि कुख्यात विकास दुबे और उसका भतीजा अमर दुबे की पत्नी खुशी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, सक्रिय थी। इसी वजह से उसे हिरासत में लिया गया था। काफी दिनों से वे जेल में हैं। हालांकि जमानत याचिका लगातार वो लगा चुकी हैं, लेकिन वो लगातार खारिज हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इमरान खान अपने आतंकी संबंधों पर पर्दा डालने के लिए आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान नेतृत्व की जहरीली विचारधारा की वजह से 1971 में उसका विभाजन हुआ था। अब सिंध और बलूचिस्तान प्रांत जल रहे हैं और वे भी स्वतंत्रता चाहते हैं। इंद्रेश कुमार ने यह भी बयान इमरान खान के उस जवाब में दिया जब पीएम इमरान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते संबंधों के लिए आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार है। न्यूज एजेंसी के अनुसार इमरान खान के इस आरोप का जवाब देते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा था कि पाकिस्तान का नेतृत्व उस देश में यातना और अत्याचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उस देश का नेतृत्व स्वयं रक्तपात और जहरीली भावना से पैदा हुआ है। भारत से 1947 में बेरहमी से विभाजित होने, 3 करोड़ लोगों के विस्थापन और 12 लाख लोगों की मौत हत्या से पैदा हुआ था। लाखों महिलाओं का भी बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, अपने ही देश में होने वाले अत्याचारों और यातनाओं का भी प्रतीक है। तो मुंह तोड़ जवाब यहां पर इमरान खान को दिया गया है। साल 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार त्यागी को किसान आंदोलन के चलते वापस दिल्ली पुलिस में तैनात कर दिया गया। संजय कुमार त्यागी ड्यूटेशन पर नई दिल्ली नगर पालिका में थे। आईपीएस संजय कुमार त्यागी को किसान आंदोलन के कारण वेस्टर्न जोन के स्पेशल सीपी के साथ अटैच किया गया। पहली बार किसान आंदोलन के लिए किसी स्पेशल सीपी के साथ इस तरह की अलग से पोस्ट बनाई गई है, जहां संजय त्यागी किसान आंदोलन और उससे जुड़े मामलों पर फोकस करेंगे कि किसानों ने
22 तारीख को संसद घेराव का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में कहा था कि कुल 200 लोग बस से जाएंगे और संसद के बाहर बैठेंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार कर रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। आपको बता दें कि आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की मांग 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की है, लेकिन सरकार से लगातार बैठक हो रही है। बैठक में किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए लगातार किसान जो है वो संसद का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत इससे पहले लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि सितंबर में किसानों की एक बड़ी बैठक होगी, उसके बाद जो फैसला लेना होगा हम लेंगे। हालांकि सुगबुगाहट यह भी थी कि राकेश टिकैत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि अभी उनका ऐसे कोई विचार नहीं है। गौतम नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज भी टोक्यो में खेलते नजर आएंगे। वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को पैरालंपिक में बैडमिंटन के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा सुहास को पैरालंपिक के लिए चयन किया गया है। पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो ओलंपिक गेम्स खत्म होने के तुरंत बाद अगले महीने जापान की राजधानी में होगा। PWF ने विश्व रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर BI और PCI इंडिया को आमंत्रण भेजा है। 2007 बैच के IAS अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। पिछले साल मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास बैडमिंटन के तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खासी कामयाबी भी हासिल की है। 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सुहास 2017 में तुर्की में आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुके हैं। अब वो टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले साल मार्च में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कोरोना पर नियंत्रण नहीं कर पाने के लिए तत्काल DM बीएन सिंह को कड़ी फटकार लगाने के बाद उनकी जगह गौतम बुद्ध नगर के लिए सुहास एलवाई को नया जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया था। प्रयागराज में साल 2019 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस वक्त सुहास ही प्रयागराज के DM थे। मूल रूप से कर्नाटक के शिवमोग के रहने वाले सुहास एलवाई नोएडा से पहले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, महाराजगंज और हाथरस के जिलाधिकारी रह चुके हैं। सुहास ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे 2007 बैच के IAS अफसर हैं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ खेल में भी खासी दिलचस्पी दिखाते हैं, रुचि रखते हैं। भारतीय दल आज ओलंपिक के लिए रवाना होगा। टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेल होने जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय दल आज रवाना होगा। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे इस दल में कुल 90 खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय कुछ खिलाड़ी दूसरे देशों में ट्रेनिंग करने के बाद सीधे टोक्यो पहुंच रहे हैं। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक खेलों 119 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ओलंपिक संघ ने पहले ही जानकारी दी थी कि 199 खिलाड़ियों समेत 228 सदस्यों के दल को टोक्यो भेजा जाएगा। भारत के लिए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि 52 खिलाड़ी हैं महिलाएं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की कुल संख्या 228 होगी। इनमें 67 पुरुष खिलाड़ी और 52 महिला खिलाड़ी हैं। हम 85 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। इससे पहले रियो ओलंपिक में 118 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ओलंपिक खेलों में कई इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें भारतीय खिलाड़ी पहली बार हिस्सा लेने टोक्यो पहुंच रहे हैं। तो टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेल खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय दल आज रवाना हो जाएगा। करीब 119 खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, जिनमें 67 पुरुष हैं, 52 महिलाएं हैं। इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में ये खेल होने जा रहा है और विदेशों के कई खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। फिलहाल अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 119 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो आज ये पूरा जत्था रवाना हो जाएगा।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में है और उसकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर जाएंगी और वहां वो रेप पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलेंगी। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चियों से रेप का मामला सामने आया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया और पीड़ित परिवारों से प्रियंका मुलाकात करने जा रही है। लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। उसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियों, प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। सारी कवायद का मकसद यह है कि अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेरा जाए। शुक्रवार को प्रियंका ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उससे पहले करीब 2.5 घंटे वो मौन धारण करे रही। 2 दिन पहले अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने कोरोना काल में यूपी सरकार के काम की जमकर तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। इस पर भी प्रियंका ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की याद दिलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से यूपी में सक्रिय होने जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए जमीनी स्तर की तो कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। अगर वो पंचायत चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो उसमें कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये मुश्किल का समय है। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से सक्रिय है अब हो रही है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। प्रियंका गांधी तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आई हैं, अपनी आवाज उठाती हुई नजर आती हैं। ट्विटर पे भी लगातार वो सक्रिय रहती हैं, हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हैं। अगर पिछले साल की हम बात करें यानी कि 2020 की, तो हाथरस कांड काफी ज्यादा प्रमुख हुआ था और हाथरस कांड को लेकर प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही थी, प्रशासन को निशाने पर ले रही थी। कोरोना वायरस ने दक्षिण एशिया को एक बार फिर से अपने चपेट में ले लिया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का तेजी से प्रसार और टीकाकरण की धीमी गति के कारण दक्षिण एशिया महामारी से युद्ध का सबसे बदतर मैदान बनता जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार लैटिन अमेरिका और भारत समेत अन्य देशों में संक्रमण ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 7 दिनों में बुधवार तक मौत के ग्राफ में 39% की बढ़ोतरी हुई है, जो दुनिया भर में सबसे तेज है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में संक्रमण का ग्राफ बढ़ने पर मौतों का भी ग्राफ बढ़ेगा। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुल टीकाकरण की दर 9% है। वहीं पश्चिमी देशों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आधे से अधिक आबादी को टीका लग गया है। सबसे खराब स्थिति अफ्रीका और मध्य एशिया में है, जहां टीकाकरण की दर बहुत कम है। इसी का नतीजा है कि संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण की तेज रफ्तार का कारण लॉकडाउन में दी गई राहत है। उद्योग और व्यापार को चलाने के लिए दुनिया के सभी देशों ने अपनी सीमाओं को खोल दिया है, जिसकी बदौलत वायरस अपना दायरा और ज्यादा बढ़ा रहा है। वायरस के जो पैर हैं वो लगातार दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी सीमाओं को खोला तो है लेकिन टीकाकरण पर जोर लगातार दे रहा है। आवाजाही को लेकर कई तरह की शर्तें हैं जिस कारण स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अगर एशिया और अफ्रीका की बात की जाए तो यहां पर कोरोना एक बार फिर से अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि व्यवसाय के लिए कई सीमाएं खोल दी गई हैं, जिसकी वजह से संक्रमण जो है वो तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। भारत और अमेरिका में और अफ्रीका में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना के नए नए वेरिएंट और उसके म्यूटेशंस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से चिंता बनी हुई है। देश में कभी भी मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक आ सकती है। सरकार ने अमेरिका को एक पत्र लिखा है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। अगर इस पत्र में मौजूदा कानूनी नियमों को लेकर आपसी सहमति बनती है तो उसके सप्ताह भर में मॉडर्ना वैक्सीन की पहली खेप भारत आ सकती है। शुक्रवार को टीकाकरण एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि मॉडर्ना को 2 सप्ताह पहले आपात इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी, अभी ये प्रक्रिया में है। अमेरिकी सरकार से बातचीत चल रही है, कुछ कानूनी नियमों को पूरा करने के लिए पत्र
व्यवहार किया गया है। फिलहाल स्थिति ये मान सकते हैं कि भारत में कभी भी मॉडर्ना वैक्सीन की पहली खेप आ सकती है। दरअसल अमेरिका ने भारत को मॉडर्ना की करीब 70 लाख खुराक दान में देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो कंपनी से आवेदन कराया गया। इसके तुरंत बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति भी दी और इसी के साथ ही मॉडर्ना देश की चौथी कोविड वैक्सीन भी बन गई है। लेकिन अनुमति के बाद अब तक इस वैक्सीन की एक भी खेप भारत को नहीं मिली है। इससे पहले अमेरिकी सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत सरकार की ओर से देरी की जा रही है, उनके यहाँ वैक्सीन की खेप तैयार है, अगर भारत से जल्द ही उन्हें जवाब मिलता है तो वो जल्द ही ये खेप भारत भिजवा देंगे। जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जीका वायरस मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे महामारी नहीं मान सकते, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए न सिर्फ हर मामले की निगरानी जरूरी है बल्कि जीनोम सीक्वेंस के स्तर पर भी तेजी से काम करना होगा ताकि कोरोना के अलग अलग म्यूटेशन और जीका वायरस की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नरेश गुप्ता का मानना है कि जीका वायरस की जांच प्रयोगशाला में होनी चाहिए। इस वायरस को लेकर भी चिंतित होने की जरूरत है। ये एक ऐसा वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है और ये स्थानीय लोगों में बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसलिए अगर किसी प्रदेश या स्थान में जीका के मामले सामने आ रहे हैं तो उन राज्यों पर निगरानी रखने की आवश्यकता बेहद है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीका वायरस सिर्फ केरल या दक्षिणी राज्यों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती है, क्योंकि मच्छर जनित रोगों से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सभी राज्य प्रभावित हो सकते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से संबंधित मामले हर साल देखने को मिलते हैं और इनकी वजह से मरीजों की मौतें भी काफी होती है। केवल केरल में ही अब तक 28 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। जीका वायरस ज्यादातर एडिस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को फैलाता है। जबकि डॉक्टर गुप्ता ने प्रकोप की स्थानीय प्रकृति का हवाला देते हुए कहा है कि वेक्टर जनित बीमारी कोविड-19 की तुलना में ज्यादा चिंता का विषय है। कई अन्य मेडिकल विशेषज्ञों ने कहते हुए चिंता को कम कर दिया कि इसे प्रभावी फैक्टर नियंत्रण उपयोगों से रोका जा सकता है। तो लगातार जीका वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से जो वैज्ञानिक है लगातार ये कह रहे हैं कि इस पर नियंत्रण पाने की जरूरत है, जिसकी वजह से अब लगातार उन राज्यों पर नजर बनाई जा रही है जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। दरअसल गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने आज 12वीं या HSC साइंस स्ट्रीट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्कूलों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.organization पर विजिट कर कक्षा 12वीं के GSEB रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इंडेक्स नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड सभी 1,07,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए, जिनमें से 63,000 लड़के और 44,000 लड़कियां। कुल 3,245 स्टूडेंट्स ने A1 ग्रेड, 15,254 ने A2 ग्रेड, 24,000 से ज्यादा ने B1 ग्रेड और 26,000 से ज्यादा ने B2 ग्रेड हासिल की है। 200 से ज्यादा छात्रों को E1 और 04 छात्रों को E2 ग्रेड मिला है। रिजल्ट केवल स्कूलर चेक कर सकेंगे और छात्रों को अपना रिजल्ट अपने स्कूल से ही लेना होगा। रिजल्ट का लिंक कुछ ही देर में एक्टिव हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते गुजरात बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसलिए वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर कक्षा 12 विज्ञान के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला पहले ही जारी कर दिया था। बोर्ड रिजल्ट आज सुबह 8 बजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी जानकारी बोर्ड ने शुक्रवार 16 जुलाई को आधिकारिक नोटिस के माध्यम से जारी कर दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से चेताया है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर में आए उतार के बाद रोजाना 100 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहेंगे। केंद्र ने कहा है कि हाल के दिनों में देश में कोरोना के मामलों में कमी की दर धीमी हुई है और इसे संभावित तीसरी लहर के आने की चेतावनी के तौर पर लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने के लिए लगातार आगाह किया है और लगातार वो करते भी रहते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी पर नहीं पहुंचे हैं। बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा बरकरार है। हम संक्रमण के रास्ते हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच
पहुंचना चाहते हैं और केस कम होने की रफ्तार धीमी हो गई है। हालात खराब ना हो इसलिए कोविड संबंधी व्यवहार बेहतर जरूरी है, क्योंकि 100 सवा 100 दिन बेहद अहम है और क्योंकि तीसरी लहर का आगमन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सबको सतर्क रहना होगा और जिम्मेदारी निभानी होगी। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए राज्यों में लगे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इस बढ़ाए गए लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा रियायतें दे दी गई हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आईटीआई और टाइप राइटिंग स्कूलों में 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। किसानों के संसद कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों के मोबाइल पर कॉल भी आ रही है। इनमें बवाल के लिए उकसाने वाली भड़काऊ बयानबाजी शामिल है। इस आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं रिपोर्ट के बाद 26 जनवरी जैसी किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को संसद कूच का ऐलान कर रखा था। इसके तहत 22 राज्यों के संगठनों के करीब 200 किसान नेता संसद कूच करेंगे। किसान नेता सिंघू बॉर्डर से बसों में बैठकर दिल्ली जाएंगे और संसद से पहले मार्च करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है कि किसानों के कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं, इसलिए किसानों और अन्य लोगों को उकसाया जा रहा है। अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और केसरी झंडा तलवार लेकर दिल्ली में घुसकर संसद पर कब्जा करने की बात कही थी। अब किसानों के मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही है, इसमें पंजाब को आजाद कराने समेत कई अन्य उकसावे वाली बातें हैं और इसमें भी वही भड़काऊ बातें दोहराई जा रही हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। ये हमने इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया।